एक चीज जो आपने कहा था कि बहुत सारी मेन प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनमें फैमिली इश्यूज होते हैं, लव इश्यूज होते हैं, एजुकेशन का स्ट्रेस होता है, तो ये स्ट्रेस सबसे पहले अगर मुझे हुआ तो मैंने झेला, यानी सबसे पहले मुझे पता चला कि आई एम नॉट ओके। तो अगर फैमिली इश्यूज हैं तो ऑब्वियसली फैमिली में कोई भी शायद ऐसा नहीं होगा जो आपकी हेल्प के लिए आगे आ पाएगा, क्योंकि इश्यूज ही फैमिली में है। आप शायद बाहर किसी से इतना कंफर्टेबल नहीं है, या अपनी घर की बातें बाहर शेयर नहीं करना चाहते, बट आप जानते हैं कि आप स्ट्रेस में आ चुके हैं। तो आप खुद की मदद कैसे कर सकते हैं कि आपकी जो सिचुएशन आज है कल उससे बदतर होने से बचे, आप खुद को भी बेहतर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई एक ही बात की हम बात करें, अगर मुझे कोई तनाव हो रहा है या मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है, तो वो होगा बात करना, बातचीत करें, किसी ना किसी से बात करें, अपने अंदर उधेड़ बुन रहे बॉटल अप नहीं करिए, बात करिए, परिवार में बात करिए, किसी फ्रेंड से बात करिए, किसी कॉलीग से बात करिए, किसी मनोवैज्ञानिक से बात करिए, पर बात बात करेंगे तो सल्यूशन की तरफ हम जाना शुरू होते, बात ही नहीं करेंगे तो मसले का हल नहीं। और हाँ, लाइफस्टाइल करेक्शन करें, जो जो हम में बदलाव हो सकते हैं। हर एक मसले में, हर एक प्रॉब्लम के दो पहलू हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब हम खुद से क्या बदलाव करके उसको कम कर सकते हैं, एक्सटर्नल जो हमारे कंट्रोल में नहीं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए मदद लें, जो हमारे कंट्रोल में है उसके लिए खुद कोशिश करें, लेकिन किसी न किसी को साथ में रखें।